जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस मौसम में कैरी और लसोड़े बहुत आ रहे हैं, साथ में ही कैर, तो इनका अचार हम आज बना रहे हैं आपके लिए। और ये अचार खाना बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। कई शोधों में भी पता चला है कि अचार के जो मसाले होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहता है और ये शरीर को फायदा देते हैं अगर लिमिटेड मात्रा में खाया जाए तो। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं हम लसोड़े का अचार। लसोड़े या लेबड़े सब जगह अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। हमारे राजस्थान में मारवाड़ में इसे गोंदे के नाम से बुलाया जाता है, गोंदे का अचार। तो दोस्तों, आप जिस नाम से भी इसे बुलाते हैं मुझे जरूर बताइए। और चलिए बनाते हैं हम गोंदे का अचार। देखिए, यहाँ पे हमने आधा किलो गोंदे लिए हैं जिनको पानी से साफ धो लिया है। इसको इसके देखिए इसको इस तरह से निकालेंगे। इसकी जो ऊपर वाली कैप है इसको नहीं निकालते हैं, इस कैप के साथ इसको अपन बनाएंगे, ताकि कैप के साथ बनाने से इसके अंदर पानी नहीं भरता है। ये देखिए, इसको इस तरह से गोल घुमाएंगे, ये खुद ही निकल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से सावधानी से हल्का सा इसको घुमाना है। लसोड़ों के ऊपर से ये सारा कचरा हमने हटा दिया है और इस तरह से इसके डंडे समेत इसको रख दिया है। देखिए, हमने लसोड़े साफ कर लिए हैं और यहाँ पर पानी गर्म चढ़ाया है। इस पानी में हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हुए हैं। इसी समय हम अपने ये लसोड़े जो हमने साफ करके रखे हैं, इनको पानी में डाल देते हैं। और इसको करीब 2-4 बॉइल लेने देंगे, या लगभग 7-8 मिनट तक इसको पकाएंगे कि लसोड़ा हमारा फटे नहीं। ये देखिए, इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और इसको करीब 7-8 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि हमारा लसोड़ा एकदम सॉफ्ट हो जाए। देखिए, 7-8 मिनट हो गए हैं हमारे लसोड़ों को खोलते हुए। इसको हल्का सा दबा के देख लेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा दब रहा है, इसका मतलब हमारा लसोड़ा हो चुका है। तो गैस को बंद करके इसको तुरंत बाहर निकाल देंगे पानी से, ताकि इसकी जो आगे पकने की प्रक्रिया है वो यहीं थम जाए। इस तरह से देखिए, अभी इनको गर्म पानी से निकालने के बाद में किसी भी सूखे साफ तौलिए पे या मखमल के कपड़े पे आप इसको इस तरह से सुखा दीजिए और पंखा चला दीजिए। लगभग 2 घंटे के लिए इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए, ये लसोड़े हमने जो सुखा रखे थे, इसको लगभग 2 घंटे हो गए सूखे सूखे, बिल्कुल एकदम अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इनमें से गुठलियां निकालेंगे। आप चाहें तो बिना गुठली निकाले भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें से गुठली निकाल के ही इसको बनाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों को इसको हल्का सा टच करेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से उबल गया है। ये देखिए, इतना सा टच करते ही हल्का सा चाकू या कोई भी चम्मच के साथ इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये खाली हो गया। तो इसके अंदर अब हम कैरी को स्टफ करेंगे। तो इस तरह से हम पहले सारे ये निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से साइड में मैंने इसको स्टफ करने के लिए मैंने एक कच्ची कैरी को कद्दूकस करके रखा हुआ है, इस तरह से ग्रेट कर दिया है। ये सारी तैयारी, मैं कैरी घिस चुकी थी। सिंपल कैरी को घिसना है, केवल कद्दूकस करना है इस तरह से, और साथ में इसके बाद गोंदे निकाले, क्योंकि गोंदे में से जब हम गुठली निकालेंगे तो इसको जल्दी से स्टफ करना होगा, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। तो इस तरह से फटाफट हम इसमें से ये अपने बीज निकाल देते हैं इसके। गोंदे का अचार मैं पहले भी बना चुकी हूँ। मैं इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले हमने बनाया था गोंदे का अचार, जिसे 8-10 दिन रखते हैं तब जाके वो तैयार होता है। आज हम जो बना रहे हैं अचार, ये तुरंत खाने वाला अचार है। दूसरे दिन इसको, एक दिन पूरा रखते हैं, दूसरे दिन ये खाने के लायक हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, ये जो कच्ची कैरी घिसी है, इसके अंदर हम मिला देते हैं अब नमक और लाल मिर्ची पाउडर।
मिक्स कर लेते हैं। आप इसको चख भी सकते हैं, हल्का सा नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। देखिए अब झटपट झटपट इसके अंदर हम ये मसाला फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम मसाले की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर कैरी काट ली है, ये देखिए इस तरह से हमने कैरी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ताकि आपकी इच्छा हो तो आप इसे बड़े टुकड़ों में कट कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो जैसे बाजार से बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, लेकिन जब हम लसोड़े का अचार बनाते हैं तो कैरी छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे बड़े वाले कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं बड़े बड़े लच्छों में, पर ये इसके साथ टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने सौंफ लिए और दाना मेथी लिए, तो ये दाना मेथी लिए मैंने 50 ग्राम और सौंफ को लिया है मैंने 30 ग्राम। इन दोनों को मैंने मिक्सी में हल्का सा चर्न कर लिया है। देखिए ये हमारा अचार बिल्कुल मिक्स। यहाँ पर देखिए मैंने ये तेल लिया है, ये कढ़ाई अभी भी थोड़ी सी गर्म है, इसको मैंने गर्म करके बिल्कुल ठंडा कर दिया है, गुनगुना कि हम इसको टच कर सके इस तरह से। उसके बाद में जब हम ये गोंदे कस रहे थे, इसमें मसाला भर रहे थे, तो इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और बंद कर दिया था। अभी भी ये गर्म है। अब ये जो मसाला हमने क्रश करके रखा हुआ है, इसको हम इस गुनगुने तेल में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसको बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि अभी तेल हमारा गुनगुना है। इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करिए। ये तेल हमने गरम किया है, ये तेल लगभग 250 ग्राम 250 से 300 ग्राम के जितना है। अभी हमने इतना ही तेल गरम किया है, उसके बाद में अगर और भी जरूरत होगी तो हम तेल बाद में और दूसरा गरम करके ठंडा करके मिक्स करेंगे। देखिए ये अभी मसाला इसमें हल्का हल्का सा बुदबुदे से बुलबुले से आ रहे हैं क्योंकि हमारा तेल अभी गरम है, तो इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलाते हुए साथ में इसमें हम मसाला और मिक्स करते हैं। जैसे इसमें हमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है, तो लाल मिर्ची पाउडर को आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैं दो चम्मच ये वाले यानी कि 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ में ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करें। मिर्च को आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। देखिए मिर्च मिक्स हो गई, अभी इसमें हम नमक मिक्स करेंगे। लगभग इसमें 2 चम्मच हमने नमक मिला लिया है, 2 चम्मच यानी वही 2 टीस्पून बड़े वाले चम्मच इसको बोलते हैं, ये वाला चम्मच इस्तेमाल किया है मैंने जो हम घर में रूटीन में काम में लेते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मसाले का है कि अगर आपको मसाला टेस्ट करना है तो आप इस समय अपने मसाले को कम या ज्यादा टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, तो इसी समय मिक्स कर लीजिए जब हम कैरी मिक्स करेंगे उसके बाद में। देखिए अब इसमें हम कैरी मिक्स करते हैं, ये थोड़ा सा ठंडे की तरफ होने लगा है, इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। अभी यहाँ पे ही हम हींग को मिक्स कर लेते हैं। हींग को मैं जनरली पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसमें हींग मिला रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून की जितनी, क्योंकि जब हम कोई भी अचार डालते हैं तो उसमें हमेशा हींग और साथ में नमक, इन दोनों को थोड़ा सा चढ़ाव में रखते हैं, यानी कि नमक को भी थोड़ा सा तेज रखते हैं, ताकि वो जो हमारी ये सब्जियां हैं या जो हम अचार डाल रहे हैं उसमें कैरी है या आप किसी और सब्जी का अचार डाल रहे हैं, तो वो सारे जब मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद उसमें भी नमक का स्वाद जाएगा, इसीलिए नमक को हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। ये कैरी मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, मुझे नमक और मिर्च दोनों कम लग रहे हैं, तो मैं इसमें लगभग
दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मच नमक और मिला रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने पूरा इसको अच्छे से दबा दिया है। इस तरह से इस पे कपड़ा बांध के इसको हम लोग छोड़ देंगे करीब एक से डेढ़ दिन के लिए। एक डेढ़ दिन पूरा ही अचार रह गया है। अभी देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। और देखिए अभी इनको हिलाते हैं हम। हमने लहसुनों को नीचे दबाया था देखिए, और ये लहसुने अच्छे से पक गए हैं। कैसे पता पड़ रहा है देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए खाने के लायक हो गया। अच्छे से टुकड़ा हो रहा है इसका। ये लहसुना गला हुआ तो था ही हमने, क्योंकि हल्का सा उबाला था, और स्टफ करने से इसका और भी अच्छा से स्वाद आ गया है। अब दूसरी बात है, इस समय आप इसको पहले से ही चख के देख लीजिए दूसरे दिन कि इसमें अगर आपको नमक या मिर्च कुछ कम लगता है तो आप अपने स्वाद के हिसाब से इसको तीखा या थोड़ा सा देखिए दोस्तों ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। अब इसको जब भी आप बॉटल्स में भरे, कोशिश करें कि कांच के बॉटल में ही भरे, और बॉटल हमेशा आपकी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। आप इसे धो के सूखे कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रखें ताकि अंदर से इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं हो। और जब भी अचार निकालें तो अचार निकालते समय हमेशा ध्यान रखें कि बॉटल के अंदर किसी भी तरह का गीला चम्मच या हाथ नहीं लगना चाहिए आपके अचार को, तो आपका अचार ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। देखिए अचार को जब भी किसी बोतल में भरे तो इस तरह से भरने के बाद में उसको थोड़ा सा अच्छे से दबा दें, यानी एक लेयर में ले लें। देखिए हमने जो तेल डाला था वो तेल इसके अंदर सफिशियंट है, लेकिन अगर हमें इसे ज़्यादा समय के लिए रखना है पहले तो इसे इस तरह से पूरा दबा दें और उसके बाद तेल भरें। ध्यान रखें कि बॉटल को कभी भी ऊपर तक ना भरें, क्योंकि ये बॉटल में भरने के बाद अचार अपना तेल रिलीज करता है और तेल उफन कर ऊपर आता है। अगर इतना तेल है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और भर के रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी कंज्यूम करना है यानी कि 10-15 दिन में, तब तो ये तेल बिल्कुल सही है। और अगर इसको लंबा रखना है, आपने ज्यादा बना लिया, तो आप इसके ऊपर इतना इतना तेल भर दीजिए। तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर इसके अंदर फिल कर दीजिए।